चलिए। हाँ तो बच्चों, आज ब्लड रिलेशन का पांचवा क्लास है और आखिरी क्लास होगा। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। टाइप सब खत्म कर दिए। अब इससे संबंधित किसी भी बुक, किसी भी राइटर का बुक लेकर के आपको बनाना है, सब बन जाएगा। क्योंकि पांच टाइप का मैं बता चुका हूं, आज आखिरी क्लास है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि ए गुना बी का अर्थवा ए बी का पिता है। ए जो है कौन है? पिता है किसका? बी का। तो पिता रहता है तो एक पीढ़ी ऊपर कर देते हैं। ये किसका अर्थवा? गुना का। फिर कहता है ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। भागा वाला रहेगा तब क्या कर देंगे, ए को पुत्री बना देंगे। पुत्री के लिए नीचे ले जाना है, बी यहां हो गया पुत्री, एक जनरेशन नीचे चला गया। बी हो गया पिता या माता और ये कौन हो गया? पुत्री। पुत्री के लिए माइनस लगा दे, चूंकि स्त्रीलिंग के लिए माइनस लगाते हैं और पुरुष वर्ग के लिए प्लस लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए प्लस बी का अर्थवा कि ए बी की बहन है। भाई बहन को तो हम लोग कोमा में लिखते हैं, अर्थात प्लस वाला रहेगा तो बहन है, ए बी की बहन है तो ए बहन है, बहन को हम माइनस से डिनोट करेंगे और बी उसका भाई होगा या बहन होगा। इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे यहां था ए पिता है बी की, अब बी का, अब बी कौन है? लड़का है लड़की, कुछ पता नहीं है। जिस पर कोई पता नहीं चलेगा लड़का है कि लड़की है, उस पर प्लस माइनस कुछ नहीं देंगे। आगे कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। अब पति पत्नी की एरोस हम लोग दिखाते हैं। ए माइनस रहेगा तो पहले ए बी को पति पत्नी करेंगे और किसको पति कर देंगे, तो ए बी का पति है। ए पति है किसका? बी का। बी पत्नी हुआ होगा। अब इसी सिंबल का प्रयोग करके सबका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां दिया हुआ है एफ भागा आर, तो भागा में ये है कि भागा बता रहा है कि सेकंड वाला को ऊपर कर देना है, फर्स्ट वाला को नीचे करना है और इसको बेटी बना देना है। बस बेटी बना दी। फिर कह रहा है क्या? गुना आर गुना एच। गुना में क्या करना है? फर्स्ट वाला को ऊपर करना है सेकंड वाला से, तो आर जो है क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, एच नीचे हो जाएगा। अर्थात आर से नीचे ही रहेगा कौन? एच हो गया और इसके लिए ये पापा बन जाएगा। तो ये दोनों कौन होगा? इसका ये अगर बेटा या बेटी होगा, आपस में भाई बहन हो गया। आगे फिर है एच घटा एल, माइनस वाला में क्या है? पति पत्नी होता है। एच और एल कौन है? पति पत्नी है, तो इसको हम पति पत्नी कर देते हैं। इसमें पहला पति दूसरा पत्नी है तो पहला पति दूसरा पत्नी हो जाएगा। एच कहाँ है? ये प्लस हो गया और एल जो है पत्नी हो गया। अब हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं? कि ये आपस में दोनों भाई बहन है और भाई का पत्नी भौजाई है और ये कौन है? पिता है। पिता के लिए पुतहु हो गया। अब जो भी क्वेश्चन क्या होगा, एच का एफ से क्या संबंध है? जिससे कहेगा वो क्या कहेगा? एफ से। एफ कहाँ? एफ से किसका संबंध लेना है? एच का, भाई। तो भाई हो गया, भाई ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जरा साफ कर ले। निम्न में से किससे पता चलता है कि एन के की माता है? तो सब जांच करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो टफ होता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, सबको बारी बारी जांच करना है। हम लोग को जांच कर लेते हैं, तुरंत जांच हो जाएगा। सबसे पहले हम के प्लस एल, प्लस वाला हम देख लेते हैं क्या होता है। भाई बहन बनता है, पहला टो बहन दूसरा टो भाई कर देते हैं। के जो है क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा और एल जो है बहन या भाई क्या है पता नहीं, लेकिन दोनों आपस में इस तरह रिलेशन है कि ये इसका ये बहन है। यहाँ हो गया एल का ये बहन है, एल क्या है पता नहीं। एल एन के बीच भागा है, भागा का मतलब है दूसरा तो ऊपर कर देना है, पहला उसका बेटी बना देना है। तो पहला बेटी बनेगा, एन पिता बन जाएगा, तो एल बेटी बना देते हैं और इसके ऊपर किसको दे देंगे? एन को दे देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों बेटी ही है ना। और एन और गुना एफ, गुना में क्या हो जाता है? गुना में होता है कि पहला ऊपर जाता है दूसरा नीचे रहता है, तो पहला ऊपर कर देंगे दूसरा नीचे हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी नीचे होना चाह रहा है और पहला इसके लिए पिता बन जाएगा, एन पिता बन जाएगा और बी
बेटा उसका बन गया या बेटी, तो बी को बेटा या बेटी में दे देते हैं आपको ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका नीचे ये पीढ़ी हो गया, सेकंड वाला गुना में रहेगा तो फर्स्ट वाला चल जाएगा पापा बनने, और सेकंड वाला उसका बेटा या बेटी, तो बेटा या बेटी में रह गया एफ। तो आपस में क्या पता चला, ये दोनों बहन है, तीसरा भी बहन या भाई हो सकता है। और वहां कह रहा है एन के की माता है, एन जो है माता ही नहीं है तो पिता बन जाएगा, तो इसलिए इसे खत्म हो गया। अगला है के प्लस एल, किधर लिख दो, इस जगह लिख देता हूं के प्लस एल, प्लस यहां हम देखेंगे तो पहला तो भाई बहन बनेगा दूसरा का, तो इसको बहन बना देते हैं किसके लिए, एल के लिए। फिर एल भागा एन, भागा यहां है, भगा बता रहा है कि पहला टू जो है बेटी बन जाएगा दूसरा का, तो पहला बेटी बना देना है किसका, दूसरा का। फिर एन घटो एम, एन घटो एन, पति पत्नी बनेगा, पहला पति दूसरा पत्नी, तो एन और एल में कहां है, एन और एम में क्या करेंगे, पहला पत्नी और दूसरा को, पहला हाँ पहला कौन है, पति, पहला पति है पति कर देंगे, और दूसरा को पत्नी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जाना है एन के की माता है, माता थी यहाँ ही नहीं, पहले एन तो पिता है भी तो पिता है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। आगे जरा सा साफ कर लो, नंबर जांचते हैं हम लोग, एन गुना एफ, गुना का चिन्ह कहाँ है, गुना का चिन्ह यहाँ है कि पहला तो बन जाएगा पिता दूसरा का, तो ठीक है बना देते हैं, एन को बना देंगे हम लोग पिता किसका, एफ का, एफ यहां ले लिए। आगे फिर कह रहा है एफ जोड़ के, जोड़ वाला में क्या होता है, दोनों दूसरा का पहला बहन है तो दूसरा का क्या कहेंगे, पहला को बहन बना देंगे किसके लिए, के लिए, दूसरा ठो के लिए, दूसरा के लिए बहन बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है, एन के की माता, माता तो यही नहीं, यहां भी वो पिता बन गया, खत्म हो गया। अब आगे सी नंबर एक यहाँ बाकी रह गया है, एच गुना के, गुना में फिर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज है, गुना में है पहला तो पिता दूसरा का, पहला को पिता बना देंगे किसका, दूसरा का यानी के का। फिर आगे भागा में क्या करना है, पहला को बेटी बनाएंगे दूसरा का, पहला ही बेटी बन जाएगा अर्थात के को ही क्या बना देंगे, बेटी बना देंगे किसका, एन का, एन का भी ये बेटी बन जाएगा। तो नतीजा क्या हो रहा है, इसका भी ये पिता है और इसका ये बेटी है, ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे ना, पति पत्नी होंगे, लेकिन हमको क्या बताना है, एन के की माता हो तो के की क्या हो गया, माता नहीं हो गया, एन की ये बेटी है, एच इसका पिता है, तो ये पिता है और इसका बेटी है, तो ये माता ही होगी ना, तो हो गया, उत्तर हो जाएगा कौन, सी नंबर। तो ये समझ में कैसे नहीं आया जी, इसमें है क्या, यहाँ देखो एच के और एन के बीच गुना का चिन्ह, एच के बीच गुना का चिन्ह, गुना वाला क्या बताता है कि पहला तो पिता बन जाएगा दूसरा का, तो यहाँ पहला कौन है, एच, एच पिता बन जाएगा किसका बन जाएगा, के का, और दूसरा भागा है, अब भागा चिन्ह बता रहा है कि पहला तो बेटी हो जाएगा दूसरा का, यानी कि दूसरा कौन है, एन, एन का बेटी कौन हो जाएगा, के, एन का बेटी हो जाएगा कौन, के बेटी हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में क्या था, ये पिता है, ये पिता है, ये कौन है, पुत्र है पुत्री है मालूम नहीं यार, सेकंड केस में है कि इसका ये बेटी ही है ना, तो बेटी हो गया, तो एक लड़का इसका ये हो गया बेटी, इसका पिता ये मालूम ही था, तो दूसरा तो भी पिता होगा, दो बाप का बेटी कोई होता है, तो दूसरा माता होगा, ये पूरा अभ्यास से क्लियर है कि माता होगा, ठीक ना, इसलिए इसका उत्तर माता वाला ही हो जाएगा। यहाँ पूछ भी रहा है कि एन के की माता है, तो एन के की माता सी नंबर में हो गया, इसका उत्तर कहीं भी कुछ ले ले, जबरदस्ती लेने से क्या होगा, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए एफ घटा आर, घटा वाला कहाँ है, ये नहीं क्या, पहला को पति दूसरा को पत्नी बनाना है, तो एफ को पति बना देंगे, आर को पत्नी बना दिए, ये देखिए पति पत्नी बना। फिर यहाँ आर एच के बीच प्लस चिन्ह, अब प्लस वाला क्या कहता है, पहला बहन बनाएंगे दूसरा का, ये बहन बनिए जाएगा, आर बहन ही है किसका, दूसरा का, हो गया खत्म, कोमा में खाली लिख देंगे, बहन का अर्थ क्या, कोमा में लिखा जाएगा। एच भागा टी, अब भागा में क्या करना है, पहला को बेटी बना देना है दूसरा का, पहला को क्या बना देंगे, बेटी
बेटी किसका, दूसरा का, यानी दूसरा ऊपर हो जाएगा ना, इसका ये कौन हो गया, बेटी हो गया, तो खत्म हो गया। आप कहता है मैं एफ का टी से क्या संबंध है, टी कहाँ है, ये है इससे, अर्थात टी क्या कहेगा किसको, एफ को, तब स्वाभाविक है देखिए दोनों बेटी है और बेटी का दूल्हा है, तो टी इसको क्या कहेगा, बेटी का दूल्हा क्या कहेगा, बेटी का दूल्हा दामाद नहीं कहेगा, सन इन लॉ, इंग्लिश में लिख दिया तो सन इन लॉ हो जाएगा, समझे। ठीक, 9 नंबर देखिए, इसमें क्या है, फिर जी गुना टी, गुना हमको देख लेना केवल क्या है, पहला अठो बना जाएंगे देंगे पिता दूसरा का, तो जी को बना देंगे क्या, पिता, किसका बना देंगे, दूसरा का। फिर टी प्लस क्यू है, प्लस क्यू में क्या आता है, पहला बहन दूसरा का, तो पहला, पहला तो क्या बना देंगे, बहन, किसका बना देंगे, बहन दूसरा का, अर्थात क्यू का, क्यू क्या है पता नहीं है, भाई एक बहन है। फिर क्यू घटा एम, घटा में क्या होता है, घटा में होता है दोनों पति पत्नी बनता है, पहला पति बन जाता है दूसरा पत्नी, तो इन दोनों में ये पहला बन जाएगा कौन, पति, और दूसरा पत्नी, तो इसको एरो मार देंगे और इसको पति बना देंगे, एम को पत्नी बना देंगे। आगे कह रहा है मैं एम का जी से क्या संबंध है, जी से, जिससे कहेगा मतलब वो क्या कहेगा, जी कहां, ये तो जी क्या कहेगा किसको, एम को। यहां देखिए ये है बेटी, ये है बेटा, बेटा का कन्या, बेटा कन्या कौन होता है, पुतहू होता है, पुतहू को क्या कहते हैं, भाई बहन, सिस्टर इन लॉ, तो साली वगैरह हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार खत्म हो गया, ब्लड रिलेशन का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और थोड़ा सा बुक लेकर के स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को किसी भी राइटर का एक बुक रखना चाहिए, कोई भी ट्रिक केवल सहयोग के लिए होता है, आपको उस पर कमांड तभी होगा जब आप उससे संबंधित कई प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो या कोई भी क्लास मास्टर का पढ़ करके आप नौकरी में सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, जितना आप पढ़ते हैं उससे कम से कम 4 गुना आपको घर में पढ़ना चाहिए, तो जितना मैं बता दिया इससे 4 गुना 5 गुना घर में बनाइए, आपको ओवर कमांड हो जाएगा, फिर परीक्षा में कभी नहीं मिस करेंगे। तो फिर है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलना है, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए।